बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो कौन सा नया चैप्टर जो आज हमारा है आइसोमेरिज्म, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम न्यू चैप्टर, अपना न्यू पोर्शन स्टार्ट करेंगे, वो कौन सा है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम सारी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने मेन जो है वो कौन से आइसोमर्स हैं और कौन सा जो फिनोमिना है आइसोमेरिज्म का उसको हमने डिस्कस करना है। तो आइए सबसे पहले इस चार्ट को देखते हैं। आइसोमेरिज्म, हम सब जानते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होती है, आइसोमर्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है तो उनकी अरेंजमेंट है वो क्या हो, डिफरेंट हो। द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स इज नोन एज आइसोमर्स। कि उनकी, या फिर आगे भी कह सकते हैं हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कि उनकी जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है या उनकी जो अरेंजमेंट्स है वो डिफरेंट हो लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या हो, सेम हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। उसके बाद देखते हैं हम आइसोमेरिज्म के आगे से दो मेजर क्लासेस है कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ऐसे मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट दे हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी, लेकिन उनकी जो कनेक्टिविटी है द वे इन विच द एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर, ऐसा वे जिससे एटम जो आपस में बॉन्डेड है वो उनका डिफरेंट हो लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम हो लेकिन कनेक्टिविटी क्या हो, डिफरेंट हो। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो ऐसे कंपाउंड शो करते हैं, ऐसे कंपाउंड एग्जिबिट करते हैं जिनकी कनेक्टिविटी क्या हो, सेम हो बट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो डिफरेंट हो लेकिन कनेक्टिविटी क्या हो, सेम हो। तो ये क्या है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में फर्दर जो है वो तीन आइसोमर्स जो है वो आते हैं, स्केलेटल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो स्केलेटल आइसोमेरिज्म में देखिए हमारे पास अगर ये एग्जांपल है CH3CH2CH2CH3, ये हमारे पास क्या है, ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। अगर इसका स्केलेटल आइसोमेरिज्म देखें तो इसमें जब स्केलेटल आइसोमेरिज्म होती है, जब आइसोमर्स बनते हैं तो देखिए इसमें जो बिल्कुल उसका स्केलेटल है वो चेंज हो गया, CH3 यहाँ पे CH2 की बजाय क्या आ गया, CH, और ये CH3 इस कार्बन के नीचे आ गया और इसका एक हाइड्रोजन जब यहाँ जाएगा तो ये क्या बन गया, CH3। उसके बाद देखें फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3CH2OH, ये क्या OH क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारे पास क्या है, एथानोल। लेकिन देखें जब आइसोमेरिज्म हुई तो उसके बाद CH2OCH3 क्या बन गया, ईथर, के CH3OCH3, इसका जो फंक्शनल जो इसका ग्रुप था वो क्या हो गया, चेंज हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करें पोजिशनल आइसोमेरिज्म की, तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म में देखें CH3CH2CH2OH, इसी में हमारे पास क्या है, 1, 2, 3 कार्बन और OH ग्रुप, तो ये क्या हो गया, प्रोपानोल। तो प्रोपानोल देखें अब जब इसकी इसमें इसका जब आइसोमर बनता है तो देखें इसमें इसकी पोजिशन जो है OH ग्रुप की वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। CH3 ये CH ये CA तो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, ये CHOH ग्रुप इसके नीचे आके अटैच हो गया और ये हाइड्रोजन अब एक इसके पास गया तो ये बन गया CH3। तो इस तरह जो है ये आइसोमर्स होते हैं, कि स्केलेटल आइसोमेरिज्म जो है वो किस तरह होती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप्स पे आते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। तो अब हम देखते हैं कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होती है और कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म जो है वो क्या होती है। तो उसके बाद हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है वो क्या होती है। तो सच स्टीरियो आइसोमर्स विच आर रेडिली इंटरकन्वर्टिबल टू ईच अदर बाय रोटेशन ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू अनदर एटम बाय अ सिंगल बॉन्ड, कि जो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो क्या हो, रेडिली इंटरकन्वर्टिबल हो विद ईच अदर बाय रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। उस कन्फर्मेशन को हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कन्फर्मेशंस। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, कन्फर्मेशंस। और उस आइसो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम देखते हैं कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। तो कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म बिल्कुल इसका अपोजिट है कि सच स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल टू ईच अदर विदाउट फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो रेडिली इंटरकन्वर्टिबल नहीं होते सिवाय इसके कि या तो उसमें बॉन्ड की ब्रेकेज होगी या फिर किसी नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, उनको हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते, एंड दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड। तो उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स को क्या कहेंगे, कन्फिगुरेशनल
कन्फिगुरेशन आइसोमेरिज्म के फिनोमेना को कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद देखें जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, जिसमें रेडली जो है वो इंटरकन्वर्टिबल हो जाता है किसी एक मॉलिक्यूल का एक पार्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर बाय सिंगल बॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं कन्फर्मेशन, और ऐसी और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और कन्फिगुरेशन वो है जिसमें रोटेशन जो है वो रेडली नहीं होती, इसमें या तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है या फिर बॉन्ड की ब्रेकेज होती है। तो कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म जो है वो अभी से फर्दर डिवाइडेड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो हाँ, यही हमारा जो मेन पोर्शन है वो यही है कि हमने कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म की जो आगे से दो फर्दर टाइप्स है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको हमने जो है अपने इस चैप्टर में डिस्कस करना है मेन। तो मैंने आपको पहले सारा ओवरव्यू दिया कि ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो किसकी मेन टाइप्स है, कि किसकी आगे से मेन जो है किसकी टाइप्स है, किसकी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, कि उसमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आती है कन्फिगुरेशनल। लेकिन हमने जो ज्यादा अपने इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या है आगे से किसकी क्लासेस है कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म की, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, सच आइसोमर्स विच डिफर ऑनली इन द बिहेवियर टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसे आइसोमर्स जो सिर्फ किसमें डिफर करते हैं, उनके बिहेवियर में टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इस उन आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन हाइड्रोजन सी एच थ्री सी ओ एच और ओ एच चारों तरफ हम क्या कार्बन की क्या लगाएं चारों डिफरेंट ग्रुप लगाएं, तो इसका जो ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा वो ये वाला होगा। जो हाइड्रोक्सल ग्रुप और जो हाइड्रोजन ग्रुप है इनकी पोजिशन क्या हो गई है डिफरेंट हो गई है। तो अब इनका जो बिहेवियर होगा टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो भी क्या हो गया है चेंज हो गया है। उसके बाद अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखें इनकी ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो गई है। यहां देखें सी डबल बॉन्ड सी ओ सी ओ एच सी ओ एच ग्रुप पहले दोनों क्या थे कार्बन के बिल्कुल ऊपर, दोनों ग्रुप पहले ऊपर और ये दोनों ग्रुप पहले नीचे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है दोनों ग्रुप नीचे है और सी ओ एच सी ओ एच ग्रुप दोनों ग्रुप क्या है ऊपर है। लेकिन जब इसका आइसोमर बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो वो क्या होगा ये इस पोजीशन पे आ जाएंगे, हाइड्रोजन ऊपर और ये नीचे, सी ओ एच ग्रुप ऊपर और एक सी ओ एच ग्रुप नीचे। तो ये देखिए ये कौन सी इसकी स्ट्रक्चर थी सिस, के यहाँ पे दोनों ग्रुप ऊपर है और हाइड्रोजन दोनों ग्रुप नीचे है, लेकिन ये कौन सी स्ट्रक्चर है ट्रांस, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो दूसरे के अपोजिट आ गए हैं, पहले ये दूसरे के सामने थे लेकिन अब ये दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इस तरह हमने सारी क्लासिफिकेशन देखी कि आइसोमेरिज्म क्या होती है, आगे से उसकी फर्दर क्लासेस देखी, जो उसकी मेन क्लासेस थी वो क्या थी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आगे से फर्दर हमने उनकी क्लासेस देखी कि वो आगे से फर्दर जो है वो किसमें डिवाइड है। ये हमारा जो मेन पोर्शन है, जो हमारा मेन टॉपिक है वो आउटलाइन के अकॉर्डिंग वो क्या है कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म, और आगे से जो उसकी टाइप्स है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें दो जो आती है जो उसकी दो इसमें आगे से फर्दर जिसमें जो इसमें जिसमें ये डिवाइड है वो किसमें है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन आपको पता होना चाहिए था कि ये ऑप्टिकल ये आइसोमेरिज्म है क्या, ये आप इसकी पीछे जो है वो फर्दर कौन कौन सी क्लासेस हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले पूरे चार्ट बना के अच्छे से समझा दिया है कि असल में हमारे पास जो आइसोमेरिज्म है वो क्या होती है, उसकी जो क्लासेस हैं वो क्या है। लेकिन हमारा मेन पोर्शन होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।